बिलासपुर जिले के कोटीपुरा में बन रहे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कोरोना के 13 मामले पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन ने एम्स साइट और आसपास के क्षेत्र को कंटेनमेंट व बफर जोन घोषित कर दिया है। बताते चलें कि पहले लॉकडाउन के कारण एम्स का निर्माण कार्य लगभग 1.5 माह तक बंद रहा, वहीं अब कंटेनमेंट जोन बनने से इसे बंद कर दिया गया है। उपायुक्त बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए एम्स की कंस्ट्रक्शन साइट को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। वहीं ग्राम पंचायत कोटीपुरा के वार्ड नंबर 3 सहित जीएनबी कॉम्प्लेक्स व ग्राम पंचायत राजपुरा के वार्ड नंबर 1, 2 और 3 को बफर जोन घोषित किया है। उपायुक्त ने कड़े आदेश जारी करते हुए कहा है कि कंटेनमेंट जोन से कोई भी व्यक्ति आगामी आदेशों तक अपना स्थान छोड़कर इधर उधर नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में रोजमर्रा का जरूरी सामान प्रशासन द्वारा मुहैया करवाया जाएगा, ताकि यहां रहने वाले मजदूरों व अन्य लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। युवा मोर्चा बिलासपुर के द्वारा हिमाचल प्रदेश की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए श्री नैना देवी अपर मंडल की पंचायत कोटला के ब्रह्मपुखर गांव में पौधारोपण किया गया, जिसमें अर्जुन व जामुन के 285 पौधों का रोपण किया गया। इस पौधारोपण में मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा व युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अमित ठाकुर, भाजयुमो जिला अध्यक्ष पंकज ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। जिला भाजयुमो प्रवक्ता पवन ठाकुर व अध्यक्ष अमित ठाकुर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा मुख्यमंत्री के आह्वान पर प्रदेश में आगामी 31 तारीख तक 1 लाख पौधों का रोपण करेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आह्वान का अनुपालन करते हुए सभी संगठनात्मक 17 जिले आगामी 31 जुलाई तक अपना 1 लाख पौधारोपण का लक्ष्य पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि इससे भी ज्यादा पौधों का रोपण कर प्रदेश की जलवायु को शुद्ध करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस मौके पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश युवा मोर्चा बहुत ही सराहनीय पुनीत कार्य कर रहा है। इसके साथ ही हमारा जिला भाजयुमो व नैना देवी भाजयुमो भी इसमें अनुकरणीय भूमिका निभा रहा है, जिसके लिए सभी प्रदेश जिला व मंडलों के अधिकारी व युवा मोर्चा बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि आज के इस भागदौड़ की जिंदगी में जलवायु को शुद्ध रखना भी इंसान का कार्य है। वह कोरोना काल को हमें पॉजिटिव तरीके से लेते हुए कुछ नया सीखने की जरूरत है व प्राकृतिक चीजों को संजोकर रखने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में युवा मोर्चा के 80 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सोलन में लॉकडाउन के चलते नशे का व्यापार बेहद कम हो गया था, लेकिन अनलॉक होते ही अब धीरे धीरे फिर से नशा तस्कर फिर से सोलन में सक्रिय हो गए हैं। चिट्टे का काला कारोबार करने वालों ने अपना नेटवर्क फिर से बिछाना आरंभ कर दिया है, लेकिन सोलन पुलिस ने जो अभियान नशे का नाश करने के लिए चलाया था वे अभी भी जारी है। सोलन पुलिस ने फिर से आसपास के सभी क्षेत्रों में अपने गुप्तचर फिर से सक्रिय कर दिए हैं। ये खबरी जैसे ही कोई व्यक्ति नशा लेकर उसका व्यापार करना चाहता है उसकी खबर पुलिस तक पहुँचा देता है और कुछ ही समय बाद नशा तस्कर को सलाखों के पीछे पहुँचा देती है। ऐसा ही मामला सोलन में आया है, जिसमे पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 युवकों से भारी मात्रा में चिट्टा बरामद किया है। अधिक जानकारी देते हुए डीएसपी रमेश शर्मा ने बताया कि नशे के विरुद्ध उनका अभियान जारी है, जिसके तहत एसआईयू की टीम ने 2 युवकों को गाड़ी समेत गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 37.46 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। ये दोनों युवक शिमला के रहने वाले हैं। दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि दोनों युवकों से ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ये दोनों युवक
इतनी भारी मात्रा में चिट्टे की खेप कहां से लेकर आए थे और ये खेप आगे किसे बेची जानी थी।